वेलकम बैक टू PNG कार गाइड। आपके सामने है हार्ली डेविडसन X440। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है इस सेगमेंट में हार्ली डेविडसन X440 ले या स्पीड 400 ले या रॉयल इनफील्ड की बुलेट हो या मीटियोर हो वो ले या SD रोस्टर ले। पूरा कन्फ्यूजन मैं इसी 7 मिनट के वीडियो में क्लियर कर दूंगा। स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी के सारे गाड़ी के रिलेटेड जो स्पेक्स है फीचर्स है आपको बाकी की वीडियो में मिल जाएंगे। ये मैं टेस्ट राइड लेके वीडियो बना रहा हूँ। इसका इंजन की बात करें तो इंजन बहुत टॉर्की है। इसका टॉर्क इतना अच्छा है कि आप 0 से 2nd गियर पे भी गाड़ी उठाओगे तो गाड़ी इजीली उठ जाती है। कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी नॉइज़ अननोन नॉइज़ आता नहीं। सेकंड पॉइंट गाड़ी का वेट बहुत है। 192 kg है। तो जब आप चलाते हो और ट्रैफिक में तो आपको गाड़ी का वेट थोड़ा तकलीफ देता है, बट पैरेलली आपका जो इंजन है आपको सपोर्ट करता है। बम्फर टू बम्फर ट्रैफिक में चलाने के लिए ये बाइक कंफर्टेबल नहीं है। थर्ड पार्ट इसका ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा है, एकदम एक्सेलेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रंट हो या रियर हो। सेकंड टॉर्क के कारण क्या हो रहा है कि रियर का व्हील जो है थोड़ा स्लिप मारता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। वाइब्रेशंस आपको जब आप राइड कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, राइडर को नहीं कम आता है वाइब्रेशंस फील। बट जो पिलियन बैठता है तो उसको वाइब्रेशंस महसूस होते हैं बहुत सारे। बट ये हाईवे टूरिंग के लिए वगैरह के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ अच्छी बाइक है। जब आप लॉन्ग टूर करते हो हाईवे में कंटिन्यूस विदाउट ट्रैफिक। सस्पेंशन की बात करें तो छोटे मोटे बम्प्स ये अच्छे से हैंडल करता है आप, बाकी आप वो झटका नहीं देता। मगर आप स्पीड में कोई भी ज़्यादा बड़ा वाला गड्ढा आप स्पीड में गाड़ी डालोगे उस गड्ढे में तो आपको झोरा जर्क महसूस होगा। लोग बोल रहे हैं कि इसका फिट एंड फिनिश इसका अच्छा नहीं है या वेल्डिंग दिख रही है यहाँ से जगह जगह से। आप ये इमेज देखो, रॉयल इनफील्ड की बुलेट की है, उसके भी वेल्डिंग दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको इरिटेशन नहीं देता। और एक बात है कि जो वायरिंग आई है ऊपर से हैंडल बार से, राइट हैंडल बार से, तो वो भी आपको इरिटेशन नहीं देगा। सिर्फ 1-2 दिन के बाद आप जब यूज्ड टू हो जाओगे बाइक के साथ तब आपको ये सब चीज़ें निग्लिजिबल लगेगी, दिखाई भी नहीं देगी और आप पता भी नहीं चलेगा ये बाइक में है। इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। ओके, दूसरी बात करें और एक कि जो क्लच है, ठीक है, वो क्लच एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन इसका क्लच टाइट है, आप देख सकते हो। इससे अच्छा स्पीड 400 का क्लच बहुत ही लाइट है, वो हो जाए SD रोस्टर हो जाए या रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हो जाए, उनका क्लच बहुत ही लाइट है। ये ज़रा हीवी साइड है ट्रैफिक में भी आपको हाथ दर्द करने लगेंगे उंगलियाँ। जब मैंने ड्राइड की ये बाइक तो ड्यू टू हेवीनेस मुझे थोड़ा हाथ वगैरह दर्द करने लगा, क्योंकि इसका वेट बहुत है और ये फील होता है जब आप राइड करते हो। इस बाइक का जो आवाज़ है स्पीड 400 से अच्छा आता है, बेस है आवाज़ में, बाइक के आवाज़ में। इट्स गुड। लोग मुड़ के देखते इस बाइक को। गियर शिफ्टिंग की बात करें तो गियर शिफ्टिंग अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और टॉर्क के कारण आपको कम से कम गियर शिफ्टिंग करना पड़ेगा, ये परफेक्ट बात है। मगर कंपेयर टू स्पीड 400 या उसका SD रोस्टर, दोनों में आपको शिफ्टिंग करना पड़ता है गियर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग ट्रैफिक सिचुएशंस। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको क्रूजिंग बाइक चाहिए, उसमें पावर चाहिए, तो आप SD रोस्टर में जा सकते हो। सेकंड, अगर आपको स्पोर्टीनेस चाहिए और थोड़ा कंफर्टेबल भी चलेगा तो आप स्पीड 400 में जाओ। और अगर आपको हार्ली डेविडसन का बैच चाहिए
लॉन्ग टूरिंग के लिए गाड़ी चाहिए और टॉर्की नेचर चाहिए, तो वेट को कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो लाइक क्लच टाइट है, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके आप हार्ले डेविडसन पे जा सकते हो। उसका मिड वेरिएंट वीविड वो वैल्यू पर मनी है। अगर आपको कनेक्टिविटी फीचर चाहिए तो आप टॉप मॉडल में जाओ। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।